तो ये है आपकी समसामयिक घटना चक्र, वार्षिकांक, दृष्टि, जो एक तरह से आपकी परीक्षाओं के लिए रामबाण होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से होती है। तो आज हम बात करेंगे इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। याद रखिए, अगर क्लासें थोड़ी छोटी ही रखेंगे, बड़ी लंबी नहीं रखेंगे, ठीक है, बाद में क्या करेंगे कि इसका पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य को एक क्लास में आपका समाहित कर देंगे, ठीक है, पूरा एक में वीडियो में जोड़ देंगे क्लास में, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट अभी देखेंगे, कुछ आगे वाली क्लास में। मैं क्या करूंगा कि पार्ट एक, पार्ट टू, पार्ट थ्री, इस तरह से हम दे देंगे, ठीक है, बुक्स का। और याद रखिए, हम लोग यहाँ बातें ज्यादा नहीं करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद हम लोग पूरे मतलब एक फ्री दिमाग से, एक तरह से आप लोग जब पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे, तब हम लोग एक पूरी क्लास ही रख लेंगे आपकी बातों के लिए। आपकी बातें, हमारी बातें, और भी आपने फैमिली की जितने भी लोगों की बातें रहती हैं। अभी आप जान रहे हैं कि परीक्षा हमारे बहुत पास है, नजदीक है, इसलिए हमें पहले इस बुक्स को खत्म करना है, समझ रहे हैं। तो चलिए राष्ट्रीय परिदृश्य देखते हैं। इसमें देश की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नजर डालते हैं। और बड़े ध्यान से आपको सुनना है, आपके पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, आपके एग्जाम आने ही वाले हैं, ठीक है। तो आपने देखा है स्वच्छ सर्वेक्षण आया हुआ है 2020 का, स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल आप देखते हैं कि आता है। तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया था। तो यहां सबसे पहले आपको याद रखना है, स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर को आप जानते हैं गांधी जयंती मनाई जाती है। और आपको बताना है कि ये कौन से और भी एक महान पुरुष थे हमारे देश के, जे 2 अक्टूबर को उनका भी जन्म हुआ था। आप लोग नीचे लिखिए, इस मिशन का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 यानी कि महात्मा गांधी की जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक भारत को एक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करना था। स्वच्छता के मुद्दे पर देश भर के नगर निगमों तथा स्थानीय शहरी निकायों के मध्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण आरंभ किया गया था। कब से? 2016 से, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में 73 शहरों को शामिल किया गया था। 16 में जब शुरू हुआ था, इसमें 73 शहरों को शामिल किया गया था। इसके बाद आप देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2017, 18, 19 में क्रमशः 434, फिर 4203 और फिर 4200 आपकी 37 शहरों को शामिल किया गया। इन्हें भी याद रखिए, ये भी आंकड़े आपके बन सकते हैं क्वेश्चन। तो 2016 में 73, 2017 में 434, 2018 में आपके 4203 और 2019 में 4237, ठीक है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 20 अगस्त 2020 को आवासन एवं तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम जारी किया गया है। तो आपसे पूछे अगर कि कौन जारी करता है, तो आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 28 दिनों तक सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 4242 यानी कि 4242 शहरों, 62 कैंटोनमेंट बोर्ड सहित में संचालित किया गया है, ठीक है। यह अपनी तरह का पहला डिजिटल सर्वे है। क्या है? डिजिटल सर्वे। अब आप देख रहे हैं कि डिजिटल भारत की बात की जा रही है, तो ये डिजिटल सर्वे है। 1098 शहरी स्थानीय निकायों को ODF प्लस, 483 शहरों को ODF प्लस प्लस के रूप में प्रमाणित भी किया गया है। कितने? 1090 यानी कि एक सॉरी 1098 1098 को ODF प्लस, और आप देखेंगे 483 शहरों को ODF प्लस प्लस रूप में प्रमाणित किया गया। कुल 6 शहरों को 5 स्टार प्रमाणन दिया गया, 5 स्टार देखते हैं आप, तो ये 6 शहरों को मिला है, जबकि 65 शहरों को 3 स्टार, 3 स्टार प्रमाणन और 70 शहरों को 1 स्टार प्रमाणन प्रदान किया गया। 1 स्टार, 2, 3 स्टार, 5 स्टार, 1, 3, 5, इस तरह। शेष 10 शहरों की बात करें, 10 लाख से अधिक की जनसंख्या की रैंकिंग में, याद रखिए 10 लाख से ऊपर की जो जनसंख्या है उसके आंकड़े हैं, ठीक है। आगे हम लोग बताते हैं 10 लाख से कम। तो इसमें आप देखेंगे इंदौर मध्य प्रदेश पहली नंबर पर है, सूरत दूसरे नंबर पर। आप देख रहे हैं कुछ सालों से इंदौर ही टॉप पर बना हुआ है। इंदौर पहले नंबर पर पूछा जा सकता है, सूरत दूसरे नंबर पर, नवी मुंबई महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर। आप जिस भी स्टेट से हैं उसका याद रखना है आपको, उस एग्जाम के लिए आपके स्टेट में जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहता है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर, उसके बाद आप देखेंगे अहमदाबाद गुजरात, राजकोट गुजरात, भोपाल मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, GBMC विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बड़ोदरा
गुजरात। तो ये आपके हैं 10 लाख से अधिक की जनसंख्या के 10 जो टॉप 10 में रहे हैं उनके, ठीक है। इसमें इंदौर आपको जरूर याद रखना। आगे हम बात करते हैं, अगर इस श्रेणी में सर्वेक्षण 2020 के तहत बिहार के पटना को 47वां को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, तो याद रखिए पटना सबसे एक तरह से अंतिम स्थान पर रखा है। इस श्रेणी में 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को शामिल स्थान मिला हुआ है, लखनऊ को 12वां। अभी यूपीपीसीएस में आपका एक पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है इसे पूछने की। लखनऊ को 12वां, आगरा को 16वां, गाजियाबाद को 19 और प्रयागराज को 20वां। लखनऊ उत्तर प्रदेश में अगर सबसे पहले पूछे नंबर 1 पर, तो आपका लखनऊ है 12वीं बार, आगरा 16वीं, गाजियाबाद 19वां, प्रयागराज 20वां। उत्तर प्रदेश के अन्य शीर्ष स्थान प्राप्त शहरों में बात करें तो कानपुर 25 और वाराणसी 27। अपने उत्तर प्रदेश को याद रखिए अगर आप लोग यूपीपीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो। इस सर्वेक्षण के तहत 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का शहर है। तो याद रखिए 10 लाख से अगर कम के में पूछे तो आपको क्या रखना है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। अगर 10 लाख से ऊपर पूछ रहा है तो क्या, इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है। द्वितीय स्थान पर आप 1 से 10 लाख के बारे में बात करें तो मैसूर कर्नाटक, और तृतीय स्थान पर नई दिल्ली, ठीक है। राज्यों की रैंकिंग इस प्रकार है, राज्यों से भी आपकी रैंकिंग बनती रहती है तो इसे भी याद रखिए। शीर्ष स्थान प्राप्त 5 राज्यों, 5 राज्य 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम, तो इसमें आप देखेंगे झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम। तो उत्तर प्रदेश का आपका तीसरा नंबर है, झारखंड पहले नंबर पर, हरियाणा दूसरे नंबर पर। शीर्ष स्थान पर आप 5 राज्य 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक, तो इसमें छत्तीसगढ़ आप देखेंगे एक कम था, निकायों से कम था, ठीक है, 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक है, ठीक है, याद रखिए। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र दूसरे, मध्य प्रदेश तीसरे, गुजरात और पंजाब। तो इसमें 100 से कम में पूछिए अगर आपका, तो इसमें झारखंड पहले नंबर पर है, और अगर आपका 100 शहरी के स्थानीय निकायों से अधिक में पूछे तो छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है, इनको भी याद रखना है। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी में कुल 12 राज्यों में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है। क्या है, उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक में। गंगानगरों में 1 लाख से अधिक जनसंख्या में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी को प्राप्त हुआ है, दूसरे स्थान पर आप देखेंगे कानपुर को प्राप्त हुआ है। 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले गंगा नगरों की श्रेणी में कन्नौज प्रथम स्थान पर और बिजनौर दूसरे स्थान पर आपका मिला हुआ है। एक बात इसीलिए आपसे बोलता हूँ कि आप पुराने पेपर लगा लिया करिए 5 से 6 साल की, इसलिए आपको एक अंदाजा होता रहता है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं। वैसे आपकी यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, आईएएस की हमने सॉल्व करवा दिए हैं, प्ले लिस्ट सूची में जाइए आप लोग, वहां सब मिल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर बता दिए गए। अब बात कर लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का शुभारंभ। 3 जुलाई 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत की गई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020-2021 आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित शहरी क्षेत्रों में वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण की श्रृंखला का 6वां संस्करण है। अभी 5वां था, ये 6वां होगा 21 का। इस बार केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कारों की नई घोषणा भी की गई है, जिसका नाम है प्रेरक दौर, ठीक है, याद रखना प्रेरक दौर सम्मान, इसे भी याद रखना। तो ये था आपका एक तरह से स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है। इस सम्मान के तहत 5 अतिरिक्त उपश्रेणियां भी होंगी, इसी की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसकी प्रेरक दौर सम्मान की। तो इसमें दिव्य, प्लेटिनम, प्लेटिनियम, अनुपम, गोल्ड, स्वर्ण, उज्ज्वल, सिल्वर, रजत, उदित, ब्रॉन्ज, कांस्य, आरोही, एस्पायरिंग, आकांक्षी, ठीक है। इसमें से प्रत्येक में शीर्ष 3 शहरों को चुना जाएगा, और जनसंख्या श्रेणी पर शहरों का मूल्यांकन करने के वर्तमान मानदंडों से अलग यह नई श्रेणी शहरों को 6 चुने हुए संकेतकों पर प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत की जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो श्रेणी मूल्यांकन किया जाएगा इसके आधार ये हैं: कचरे को गीला, सूखा और खतरनाक श्रेणियों में विभाजित करना, गीले कचरे के खिलाफ प्रसंस्करण क्षमता, गीले और सूखे कचरे का प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण, लैंडफिल, भूमि भराव में जाने वाले कचरे का प्रतिशत, और 6वां है शहरों की स्वच्छता स्थिति। ये आपका यूपीपीसीएस में भी पूछ लेगा, इन आपके 1, 2, 3 आंकड़े दे देगा कथन में, और आपसे पूछ लेगा कि इनमें कौन आधार, इसमें मूल्यांकन के लिए कौन संकेतक नहीं चुना गया है या चुना गया है, तो इन्हें भी याद रखिए 6 को।
इस वर्ष के सर्वेक्षण के अंतर्गत गीले शुष्क और खतरनाक अपशिष्ट को अलग करने, गीले अपशिष्ट के निपटान की प्रक्रिया गीले और शुष्क अपशिष्ट का निपटान और पुनर्चक्रण, निर्माण मलबा निस्तारण और कचरा स्थल पर फेंके जाने वाले कचरे की मात्रा और शहरों की स्वच्छता की स्थिति पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे देश को स्वच्छ रखा जा सके। वैसे भी आप देखते होंगे कि आपके शहर में भी आता है, सुबह से आपका एक कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है, उसमें आप देखते हैं गीला कचरे के लिए अलग रहता है, सूखे के लिए अलग रहता है। बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संकेतकों को मुख्य रूप से अपशिष्ट जल उपचार और मल कीचड़ के पुनर्उपयोग पर केंद्रित बनाया गया है, ठीक है, 21 के लिए। फिर आपने देखा है कि एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी आई हुई है, आपकी जो भी प्रतियोगी परीक्षा होंगी अब इसके अंतर्गत आएंगी। अभी फिलहाल ये सभी पर लागू नहीं की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये प्राइवेट सेक्टरों में भी लागू हो जाए और सरकारी में भी सभी क्षेत्रों में लागू हो जाए। एमपी में आपने देखा है कि एमपी के जो भी सीएम है उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी कि मैं भी इसी के तहत करवाऊंगा। तो इससे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 1 फरवरी 2020 को अपने बजट भाषण में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाया जा सके। याद रखिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं, अगर आपको लगता है कि विस्तार से आपको पढ़ना है तो जो करंट टॉपिक रहते हैं उनमें हम लोगों ने विस्तार से बात की है, वहां जाकर आप पढ़ लीजिए। यहाँ केवल आपको वही आंकड़े बताऊंगा जो परीक्षा के पॉइंट व्यू से जरूरी है। 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में ग्रुप बी और ग्रुप सी गैर तकनीकी के पदों के लिए उम्मीदवारों हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि सीईटी का आयोजन किया जाएगा। एक ही परीक्षा होगी इनके लिए। फिर आप देखेंगे ये पहला चरण है, एक तरह से आप कहिए कि यूपीएससी, पीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस एक कॉमन एग्जाम ले प्रीलिम्स, उसके बाद अलग अलग एजेंसियां जो भी एजेंसियां हैं राष्ट्र, जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है या संघ लोक सेवा आयोग है, कोई भी आपके हैं तो वो अपने हिसाब से मेंस करवाएं, तो एक पड़ाव कॉमन रहे। लेकिन तो इसी तरह इनका भी एक कॉमन पड़ाव है। अभी आपका देखिए ये जो भी स्टेट पीसीएस है या यूपीएससी इस तरह की एग्जामों की अभी इसमें शामिल करने की बात नहीं की गई है। इस सामान्य योग्यता परीक्षा का उद्देश्य सरकारी नौकरियों में चयन हेतु विभिन्न भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित विविध परीक्षाओं को एकल ऑनलाइन टेस्ट से प्रतिस्थापित करना है। एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, एसएससी आरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे अभी फिलहाल, ठीक है। आगे है आपका सामान्य योग्यता परीक्षा सीईटी वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी और इसका आयोजन 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में किया जाएगा। तो आपको याद रखना वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी, इसका आयोजन 12 भाषाओं में होगा, ठीक है। सामान्य योग्यता परीक्षा सीईटी मुख्यतः 3 स्तरों पर आयोजित की जाएगी, स्नातक, उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं और मैट्रिक, समझ रहे हैं आप लोग, एक तरह से आप कहिए कि 10वीं, 12वीं और स्नातक, ठीक है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए केवल प्रथम स्तर यानी कि टीयर की परीक्षा आयोजित की जाएगी, वहीं भर्ती की अंतिम चयन प्रक्रिया टीयर 2, टीयर 3 के लिए परीक्षाओं का आयोजन संबंधित एजेंसियां यानी कि एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस अपने हिसाब से करेगी, ठीक है। आरंभ में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएससी, आईबीपीएस की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, बाद में इसके अंतर्गत कई अन्य भर्ती परीक्षाओं को भी शामिल किया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा सामान्य योग्यता परीक्षा के प्राप्त स्कोर 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध रहेगा। तो याद रखना, यह भी पूछ लेगा कितने साल के लिए इसकी मान्यता रहेगी, तो 3 साल के लिए। देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र होगा, वहीं 117 आपके आकांक्षी जिले हैं पिछड़े हुए में परीक्षा की बुनियादी ढांचे को बनाने पर विशेष जोर भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस बजट को भी याद रखना, 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी होगी, इसे भी याद रखना, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत होगी। भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी इसकी अध्यक्षता करेगा। किस स्तर का? सचिव स्तर का। तो ये है आपकी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ठीक है। अब बात करते हैं अटल रैंकिंग। याद रखिए मैं उतना विस्तार से नहीं बता पाऊंगा यहाँ, ठीक है। अगर विस्तार से पढ़ना है तो जो टॉप करेंट टॉपिक हम लोगों ने प्लेलिस्ट सूची बनाई हुई उसमें बहुत विस्तार से 40-40, 50-50 मिनट की क्लास ली गई है इसी पर आपकी, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ केवल आपने
को याद होना चाहिए कि हमारी परीक्षा बहुत पास है। अटल रैंकिंग की बात करें 2020 की, तो भारत द्वारा 2010 से 2020 के दशक को नवाचार का दशक घोषित किया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि 2010 से 2020 तक के दशक को नवाचार दशक कहते हैं या नवाचार दशक किस पीरियड को कहते हैं। ठीक है, 2015 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान से सुधार करते हुए भारत ने वर्ष 2020 में 48वां स्थान प्राप्त किया है। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। कौन जारी करता है? एक तरह से शिक्षा मंत्रालय। 2015 में 81वां नंबर होता, 2020 में से 48वां, 2020 में 48वां। ठीक है, 18 अगस्त 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की है। इसका पहला संस्करण वर्ष 2019 में जारी किया गया था। अटल रैंकिंग 2020 को दो श्रेणियों यथा सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान तथा निजी या फिर सौ वित्त पोषित संस्थानों के तहत जारी किया गया है। इन्हें पुनः 5 उप श्रेणियों में भी विभाजित किया गया है, यानी कि सरकारी और प्राइवेट जो है उन्हें में बांटा गया है। इस बार रैंकिंग में पहली बार महिलाओं से जुड़े उच्च संस्थानों की सूची के रूप में छठवीं उपश्रेणी भी बनाई गई है। तो याद रखना है, पहली बार महिलाओं से जुड़े संस्थानों की सूची को छठी सूची में उपश्रेणी बनाया गया है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को प्रथम स्थान पर, याद रखना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को पहले स्थान पर मिला है, और भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को दूसरा स्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को तृतीय स्थान। मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली, 1, 2, 3 पर क्रमशः है। ठीक है, याद रखिए। आगे बात करते हैं हम लोग, इस सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को 6वां स्थान, उत्तर प्रदेश के लिए आपका बहुत जरूरी है, तो कानपुर को कौन सा स्थान, 6वां, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कानपुर में है इसे 6वां स्थान मिला है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 11वां, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसे 11वां, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 13वां। तो कानपुर 6ठा, अलीगढ़ 11 और बनारस 13, इस तरह से आप याद रखिए अपने हिसाब से। अगर ये आप निजी या सौ वित्त पोषित यानी कि प्राइवेटों की बात करें हम लोग, कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान उड़ीसा को प्रथम स्थान पर, कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान उड़ीसा को प्रथम स्थान, SRM विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु को द्वितीय स्थान, बेलोर प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहली बार सम्मिलित किए गए महिलाओं से संबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची केवल सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त श्रेणी में अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वीमेन तमिलनाडु को प्रथम, तथा इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन दिल्ली को द्वितीय स्थान। तो याद रखना, तमिलनाडु में इसे पहला स्थान, दिल्ली को दूसरा स्थान। अब बात करते हैं हम लोग अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की, ये भी काफी चर्चा में रहा था। अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, अंडमान निकोबार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भारत का एक संवेदनशील क्षेत्र है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अतः इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के लोगों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की आधारशिला रखी थी। अगर आपसे पूछे कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो 30 दिसंबर 2018 को। 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना की शुरुआत की है। इसके द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इसके तहत चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर के मध्य तथा पोर्ट ब्लेयर से अन्य द्वीपों यथा सौराज द्वीप, हेवलोक, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोर्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट के मध्य सुविधा प्राप्त होगी। आप समझ रहे हैं, इस परियोजना के तहत समुद्र के भीतर करीब 2300 यानी कि 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाए गए हैं। इस पर लगभग 1224 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस तो इसे याद रखिए, 2300 किलोमीटर के करीब केबल बिछाया गया है समुद्र के भीतर, और इसमें बिछाने में कितनी कीमत आई, लगभग खर्च हुआ 1224 यानी कि 1224 करोड़। इस परियोजना का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग के अधीन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से किया गया है। इसे भी याद रखिए, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे, इसे भी हम लोगों ने विस्तार से बात किया था, लेकिन यहाँ आपकी परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आंकड़े दिए गए उन्हें भी देखूंगा हम लोग, ठीक है। रोपवे अथवा रज्जू मार्ग विशेष रूप से खानों या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली एक परिवहन प्रणाली है। इनमें केबलों के माध्यम से बक्सेनुमा केबिन द्वारा परिवहन किया जाता है। इसमें दुर्गम क्षेत्रों में कम समय में यात्रा की जा सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, 24 अगस्त 2020 को गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर निर्मित भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम गुवाहाटी में, ठीक है। इस रोपवे की लंबाई कितनी है? 1.82 किलोमीटर, 1.82 किलोमीटर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है, और 1.82 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2006 में गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण को इस रोपवे के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया था। इसकी लागत राशि 56.08 करोड़ रुपए आई है। तो याद रखना, गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण के द्वारा इसे बनाया गया एक तरह से, और इसमें कितनी लागत आई है? 56.08 करोड़, ठीक है। यह रोपवे गुवाहाटी शहर में कचरी घाट के को उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ेगी। ये भी पूछ लेगा कि जो अभी नया रोपवे किस किस शहर को जोड़ेगा, तो गुवाहाटी शहर की कचरी घाट को उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ेगा। ध्यान दें कि यह रोपवे एक छोटे से द्वीप पीकॉक आइलैंड के ऊपर से गुजरता है। यहाँ पर प्रसिद्ध उमानंदा मंदिर भी स्थित है। ये भी पूछ सकता है कि किस ये द्वीप से गुजरता है, तो याद रखना पीकॉक पीकॉक आइलैंड। यहाँ कौन सा मंदिर स्थित है? उमानंदा मंदिर स्थित है। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। आप देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, तो इसे भी देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किया गया है। 12 मई 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा की गई थी। इस अभियान का मुख्य ध्येय स्वदेशी विनिर्माण और उपभोग को प्रमुखता प्रदान करनी है, यानी कि हम अपने आप पर निर्भर रह सकें। तो 12 मई 2020 को, इसके बारे में अगर याद रखने योग्य तथ्यों की बात करें तो 7 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह कब से? 7 अगस्त से 14 अगस्त 2020 तक मनाया गया है। तो इस डेट को भी याद रखना, 7 अगस्त से 14 अगस्त। 10 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री ने डिजिटल लिंक के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत सप्ताह समारोह के एक भाग के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन की पहलों का शुभारंभ किया है। और आत्मनिर्भर भारत सप्ताह में उन हथियारों उपकरणों की सूची प्रदर्शित की गई है जिनका भारत में स्वदेशी विनिर्माण होगा। 9 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय ने 101 हथियारों एवं सैन्य उपकरणों की नकारात्मक सूची की घोषणा की है, यानी कि इनका आप देखिए कि हमारे देश में ही प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन होगा। इन हथियारों एवं सैन्य उपकरणों में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रॉकेट और मिसाइलें आदि शामिल होगी। मेरी तो देखिए एक तरह से इच्छा है कि हमारे जो भी लड़ाकू विमान हो वो हमारे स्वदेशी हो, क्योंकि कम से कम हम अपने यहाँ बनाएंगे तो हमें भरोसा तो रहेगा, हमें खरीदने की किसी से जरूरत भी नहीं रहेगी। अब देखिए युद्ध चल रहा है, मान लीजिए चला कि अमेरिका या रूस ने कहीं से हम लोग खरीद रहे हैं, उनने रोक लगा दी, तो क्या करेंगे? तो हमारे ऊपर हमारे पास कम से कम ऑप्शन तो होना चाहिए। तो ठीक है, 101 हथियार एवं सैन्य उपकरणों की नकारात्मक सूची को भी याद रखना है आपको। नकारात्मक सूची में शामिल हथियार प्रणालियों का आगे आयात नहीं किया जाएगा, यानी कि हम खरीदेंगे नहीं बाहरी देशों से। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण करने की दिशा में कदम उठाया गया। रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में भारत को विश्व के अग्रणी देशों में स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 के मसौदे का निर्माण भी किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अब बात करते हैं आपका देवलाली दानापुर किसान रेल के बारे में। ये अपनी तरह की देखे रहे किसान रेल है। बस 2020-2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान विशेष रेल का संचालन शुरू किया गया है। आप लोग जानते हैं कि आपके प्रधानमंत्री ने 2022 तक वादा किया था एक तरह से किसानों की आय को दोगुना करने का। तो इसमें याद रखिए किसने ये चलाई है, किसके किसके सहयोग से चलिए, किस मतलब किसने विशेष संचालन किया है इसका, तो रेल मंत्रालय और कृषि एवं कल्याण किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा।
इससे किसान अल्पकालीन बाजार, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर और अधिक बार आर्थिक संभावना प्राप्त कर सकते हैं। आप समझिए, टमाटर एक शहर से दूसरी शहर ले जाना आसान रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं जल्दी खराब होने की स्थिति रहती। कोई भी और सामान हो आपका तो किसानों के लिए फायदेमंद है। 7 अगस्त 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देवलाली दानापुर किसान रेलवे की को हरी झंडी दिखाई थी। तो किसान मंत्री को भी याद रखिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर। 2020-21 के आम बजट में दूध, मांस और मछली सहित जल्द नष्ट होने वाली खाद्य पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला बनाने की घोषणा भी की थी। ये ऐसे पदार्थ हैं कि जो जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए एक शहर से दूसरे शहर जल्दी पहुंचे, जल्दी उपयोग हो, इसलिए यह रेलगाड़ी अपनी तरह की पहली रेलगाड़ी है जो किसान सेवा के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह रेलगाड़ी एक बार की यात्रा में 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नासिक रोड, मनमाड़, इटारसी, सतना, प्रयागराज, बक्सा आदि स्टेशनों पर रुकेगी। तो याद भी रखिए अपने शहरों को भी कहां इसका स्टॉप है और कितनी दूरी करेगी तय, 1519 किलोमीटर की। यह रेलगाड़ी देवलाली से दानापुर के मध्य परिचालित होगी। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है किन किन शहरों को जोड़ेगी। देवलाली से दानापुर, देवलाली महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है। दानापुर को आप जानते होंगे, बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित एक नगर है। माल ढुलाई की व्यवस्था समन्वय कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। बरौनी टाटा नगर की बात करें तो दूसरी किसान रेल है। बरौनी टाटा नगर दूसरी है, और याद रखिए देवलाली दानापुर किसान रेल पहली है और बरौनी टाटा नगर दूसरी है। 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेलवे की दूसरी किसान विशेष रेलगाड़ी का परिचालन बरौनी बिहार से टाटा नगर झारखंड के बीच किया जाएगा। तो एक इसके बीच चलेगी, बरौनी बिहार से टाटा नगर झारखंड के बीच। इस विशेष रेल के द्वारा बोकारो स्टील सिटी हटिया टाटा नगर के लिए दुग्ध की आपूर्ति भी की जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरी है। पर बात करते हैं जल, भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली की। तो जल जीवन और विकास की कुंजी है। जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग अधिक महत्व रखता है, विशेषकर तब जब बढ़ती जनसंख्या शहरीकरण और संबंधित विकास उपलब्ध संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डालती है। किसी भी संसाधन की अच्छी योजना हेतु एक मजबूत डेटाबेस और एक विश्वसनीय सूचना प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जुलाई 2019 में भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली का पहला संस्करण जारी किया गया था। ठीक है, ये जुलाई 2019 की बात कर रहा हूं। इसमें याद रखने योग तथ्यों की बात करें तो अगर अगस्त 2020 में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली का नया संस्करण जारी किया गया है। नया संस्करण किसके द्वारा? जो आपका जल शक्ति मंत्रालय है इसके द्वारा जारी किया गया। इसमें कुछ पॉइंट आपको वैसे याद रखना चाहिए। कोई संस्थान या कोई मंत्रालय है, कोई रिपोर्ट जारी करता है, तो रिपोर्ट के बारे में आपको याद रखना चाहिए और इसे कौन जारी करता है, क्योंकि आप देखते हैं प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चंस बन चुके हैं और बनते रहते हैं हमेशा। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। नया संस्करण नई कार्य क्षमताओं एवं विशेषताओं से युक्त है, जो वेब पोर्टल www.india.india.gov.in के माध्यम से जन सामान को वर्षा भूमि का जलस्तर, जलाशय भंडारण, बाष्पन उत्सर्जन और मृदा आर्द्रता इत्यादि से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। वर्तमान में यह प्रणाली विभिन्न केंद्र एवं राज्य स्तरीय संस्थानों जैसे केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड, भारतीय मौसम विभाग, विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय सूर्य संवेदन केंद्र, विभिन्न राज्यों से नियमित आधार पर आंकड़े प्राप्त कर रही है। अन्य एजेंसियों के आंकड़ों को भी इस प्रणाली में एकीकृत किया जा रहा है और ताकि यह जल और भूमि संसाधनों से संबंधित डेटा के लिए एक व्यापक मंच बन जाए। इंडिया वारिस को अद्यतन बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना भी की गई है। तो इस सब के बारे में भी याद रखिए। इस प्रणाली से प्राप्त आंकड़े जन सामान्य के साथ साथ किसानों, नियोजकों, प्रशासकों, विशेषज्ञों, अनुसंधानकर्ताओं इत्यादि सभी के लिए लाभदायक होंगे। फिर आपने देखा है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा सुलझ गया है और पिछली करेंट अफेयर्स की जो बुक्स थी उसमें हम लोगों ने कवर भी किया था इसे पूरा। तो यहाँ जो भी कथन है पढ़ लीजिए, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं पुरानी किताब को भी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन किया गया है। तो याद रखिए, इसको ही याद रखिए कि कौन सा नाम है राम मंदिर बनाने के लिए किसे जिम्मेदारी दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास 9 नवंबर 2019 को अयोध्या प्रकरण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले के अनुपालन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा
अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 5 फरवरी, इस डेट भी पूछ लेगा। देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, तो बड़े आपको ध्यान से पढ़ना है। 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। याद रखने योग्य तथ्य यही है कि 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में प्रस्तावित भगवान श्री राम के निर्माण हेतु भूमि पूजन देशवासियों की प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। कब? 5 अगस्त 2020 को श्री भगवान श्री राम के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया था। किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री साहब इसमें शामिल हुए थे, उन्हीं के द्वारा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की प्रथम बैठक 19 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता तथा अन्य सदस्यों का चुनाव भी किया गया है, जिसमें अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चुनाव किया गया है। तो याद रखिए पहली बैठक कब हुई थी? 19 फरवरी 2020 को। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में कुल 15 सदस्य होंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, वो उत्तर प्रदेश में है इसलिए उत्तर प्रदेश की घटना है, तो ये उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो महत्वपूर्ण पूरे देश में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा है, जिसमें से एक सदस्य सदैव दलित समाज से होगा। आज याद रखिए, यानी कि सबको साथ लेने की बात की जा रही है। 15 सदस्य होंगे, इसमें से कम एक सदस्य हमेशा क्या होगा? दलित समाज से होगा। न्यास मंदिर निर्माण से जुड़े हर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगा। सरकार ने नियम बनाए हैं जिनके जिसके तहत यह न्यास काम करेगा। न्यास मंदिर निर्माण का रोड मैप तैयार करेगा। मंदिर निर्माण में आने वाली समस्त बाधाओं को न्यास दूर करेगा। न्यास श्रद्धालुओं की सुविधाओं और मंदिर निर्माण के लिए किसी भी व्यक्ति संस्था से दान अनुदान अचल संपत्ति सहायता स्वीकार कर सकता है। साथ ही न्यास ऋण भी ले सकता है। मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त धन के निवेश का फैसला न्यास ही करेगा, जो भी करेगा अब न्यास ही करेगा, समझ रहे? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास से जुड़ी संपत्ति को बेचने का अधिकार ट्रस्टीज को नहीं होगा। किसी ट्रस्टीज को नहीं होगा। ट्रस्ट के सदस्यों को वेतन का प्रावधान नहीं है, लेकिन सफर के दौरान हुए खर्च का भुगतान न्यास के द्वारा किया जाएगा। वेतन का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, लेकिन जो खर्च एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनके लिए खर्च दिया जाएगा। सभी ट्रस्टी मिलकर एक अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, जो सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। न्यास का एक महासचिव व एक कोषाध्यक्ष भी होगा। निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख महंत नित्य गोपाल दास न्यास के अध्यक्ष होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉइंट है। निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख जो महंत नित्य गोपाल दास हैं, न्यास के अध्यक्ष होंगे, जबकि महासचिव के पद पर चंपत राय को रखा गया। ये आज के लिए महत्वपूर्ण नहीं, हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। पूछ लेगा कि पहले इसके आप सोचिए कि न्यास के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नित्य महंत नित्य गोपाल दास, या पूछ लेगा पहले महासचिव कौन थे, तो चंपत राय। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव निपेंद्र मिश्र को मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। निपेंद्र मिश्र को याद रखना आपको। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की बात करें तो महंत दिनेश दास निर्मोही अखाड़ा के महंत हैं, वासुदेवानंद सरस्वती प्रयागराज, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ उडुपी कर्नाटक, योग पुरुष परमानंद गिरी उत्तराखंड, स्वामी गोविंद देव गिरी पुणे कोषाध्यक्ष, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा अयोध्या राज परिवार के वंशज हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा अयोध्या, कामेश्वर चौपाल पटना दलित सदस्य हैं, के पराशरन वरिष्ठ अधिवक्ता, ज्ञानेश कुमार अपर सचिव गृह भारत सरकार नामित सदस्य हैं, अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश ए भी नामित सदस्य हैं, अनुज झा जिलाधिकारी अयोध्या पदेन सदस्य हैं। इनके बारे में एक तरह से आप लोग पढ़ लीजिए, सबको याद रख पाना मुझे लगता है मुश्किल रहता है, तो एक से दो बार पढ़ लीजिए, अगर आ जाता है तो आप सही करने, क्वेश्चन बनता है तो सही करने की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। 17 जून 2020 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट भी ये जारी की गई है, का संचालन प्रारंभ किया गया। https://rjbtkshetr, ठीक है, याद रखना .org। अब बात कर लेते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 की भी बात कर लेते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक ऐसी राष्ट्रव्यापी पहल है जिसमें छात्रों द्वारा दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने का एक मंच प्रदान किया जाता है। यह वह कार्यक्रम है जो छात्रों को अलग अलग तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करने के साथ ही अनेक उत्पादों को नए तरीके से विकसित करने की संस्कृति को बल देता है। हैकाथॉन के दो भाग हैं, हैकाथॉन सॉफ्टवेयर, हैकाथॉन
ये है आपका हार्डवेयर। सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किससे संबंधित है, तो छात्रों की एक तरह से योग्यता से संबंधित है, ठीक है, और छात्रों द्वारा दैनिक जीवन में जो भी आने वाली बाधाएं होती हैं इसके हल करने के लिए एक मंच कह सकते हैं आप लोग। इसके दो भाग कौन कौन से हैं आपसे पूछेगा, तो हैकाथॉन सॉफ्टवेयर, हैकाथॉन ए हार्डवेयर। अब बात कर लेते हैं इसमें जो तथ्य रखने याद रखने योग्य है। 4 अगस्त 2020 को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के चौथे संस्करण यानी कि सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले संपन्न हुआ है। इस हैकाथॉन का आयोजन 1 से 4 अगस्त 2020 तक देश के 40 वर्चुअल नोडल केंद्रों पर एक साथ हुआ है, 1 से 4 अगस्त के बीच, और 40 वर्चुअल नोडल केंद्रों, ठीक है, 40 याद रखना। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा 1 अगस्त को किया गया है। तो आपके शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए इस बार इसलिए क्वेश्चंस के बारे में नहीं बता सकता हूं कि कौन से पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछली बार यूपीपीसीएस में आपने देखा है और आपने यूपीपीएससी में भी देखा होगा, मतलब 1 से 2 3 साल क्वेश्चन पुराने भी आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। तो बड़ा कह पाना अब आज के समय में कह पाना कि करंट से जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इतना रहता है कि रिपोर्टें आपकी हमेशा पूछी जाती हैं, संगठनों से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े हैकाथॉन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1 अगस्त 2020 को संबोधित किया जाता है, और आज जान रहे हैं आप लोग कि कोरोना महामारी की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही सभी काम हो रहे हैं लगभग। इस हैकाथॉन का उद्देश्य विभिन्न सरकारी निजी संस्थानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के लिए भारत के छात्रों द्वारा विश्व स्तरीय समाधान प्राप्त करना है। इसका मुख्य विषय की बात करें, ये थीम याद रखिए, थीम भी पूछ लेता है, कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है, कोई विचार बहुत छोटा भी नहीं है, नो प्रॉब्लम इज टू बिग, नो आइडिया टू स्मॉल, ठीक है, कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है, कोई विचार बहुत छोटा भी नहीं है। इस संस्करण में 11 विषयों पर आधारित कुल 243 समस्याओं पर वक्तव्यों पर काम किया गया है। इसमें दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क संपर्क, फेक न्यूज की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग इत्यादि से संबंधित मामले शामिल किए गए हैं। 13 कितने हैं, 11 विषय हैं और 243 समस्याएं हैं, ठीक है। ध्यान दें कि भारतीय छात्रों की रचनात्मक एवं क्षमता का विकास का उपयोग देश की प्रगति में सम्मिलित करने के ध्येय से 2017 में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया था। तो पहला संस्करण कब जारी हुआ था इसका, 2017 में। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी, इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा हुआ है, करीब आपकी 1 घंटे के करीब क्लास है, उसे जाकर अगर आपको लगता है विस्तार से पढ़ना है तो उसे जाकर पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ आपकी वही आंकड़े बताऊंगा जो आपके जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक विजन डॉक्यूमेंट होती है जो यह निर्देशित करती है कि आने वाले वर्षों में देश में शिक्षा किस दिशा में जाएगी, या देश की शिक्षा व्यवस्था को एक आकार प्रदान करेगी। और देश में सबसे पहले इस पॉइंट को याद रखिए, इन कुछ को, सर्वप्रथम वर्ष 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई थी, इसके बाद 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई जिसमें संशोधन हुआ, 1992 में कुछ संशोधन भी किया गया था 1986 की राष्ट्रीय सूची में, शिक्षा नीति में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की। आपसे पूछेगा पहली शिक्षा नीति कब आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, दूसरी 1986, आप लोग 6 को पीछे कर दीजिए 8 को आगे, ठीक है, जैसे भी आपको याद रखने की एक ट्रैक बना लीजिए जो भी करना हो। और 1986 की जो शिक्षा नीति थी दूसरी, इसमें 1992 में संशोधन किया गया, और एक नई शिक्षा नीति तीसरी आप कह सकते हैं ये आई हुई है 2020 में। इसमें ये मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ कि क्या फायदे होंगे, वहां विस्तार से आपका बताया गया है, वहां जाकर देखते रहिए आप लोग, क्योंकि इतना आप लोगों के पास टाइम नहीं है। आप जानते हैं कि अगर इसे अच्छे से लागू किया गया तो बहुत फायदे होंगे, ठीक है। 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी की गई है, दी गई है, कौन, किस डेट को, 29 जुलाई 2020 को। यह नीति 3 साल से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ चर्चा और शिक्षा शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 यानी कि 5+3+3+4 एक नई व्यवस्था की बात की गई है। अब देखिए एक तरह से मैं बता दूं यहां आप लोगों को, 5 में देखेंगे आप, देखते हैं कि एलकेजी केजी एलकेजी आप एलकेजी केजी नर्सरी इस तरह से देखते हैं, ये 3 साल हो गए,
समझ रहे हैं आप लोग? फिर एक देखेंगे आप लोग की एक दो, तो ये पांच में आपका शामिल हो जाएगा। फिर तीन की अगर बात करें हम लोग, पांच की बात प्लस तीन, तो इसमें तीन चार पांच आपका शामिल हो जाएगा। प्लस तीन की फिर बात करें तो छठवीं सातवीं आठवीं हो जाएगी इसमें। और प्लस चार की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कक्षा नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं। तो इस संदर्भ में वर्तमान में 10+2 की व्यवस्था लागू हो जाएगी, इससे आप मिलाकर आप लोग बारहवीं तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 5+3+3+4 व्यवस्था को क्रमशः आधारभूत आधारभूत यानी कि शुरू 5 वर्ष रहेगा, प्रारंभ में प्रारंभिक शिक्षा कहेंगे इसे आप लोग 3 वर्ष यानी कि 5वीं तक की। फिर आप देखेंगे मध्य यानी कि 6 से 8वीं तक, और माध्यमिक यानी कि 9 से 12वीं तक। ठीक है, आधारभूत चरण में बात करें तो 5 वर्ष से 3 वर्ष तक बच्चा आंगनबाड़ी प्री स्कूल या फिर वाल वाटिका में रहेगा। एक कहने का मतलब है कि शुरू की क्लासों में पढ़ेगा 3 वर्षों के लिए। आप लोग जानते हैं कि आजकल आपके बच्चे देखते हैं नर्सरी केजी एलकेजी फिर फर्स्ट में पहुंचता है बच्चा, पता नहीं। मतलब आप सोचिए कि हमारे समय में तो क्या हुआ करता था, डायरेक्ट टेक में पहुंच जाते थे हम लोग। लेकिन आज परिस्थिति बदल रही है, आज 2 साल का होता है 1-2 साल का बच्चा पढ़ने लायक बैठ जाता है, समझ रहे हैं? तो वही हाल है, जब वह 6 वर्ष का होगा तो कक्षा 1 में प्रवेश मिलेगा उसे। फिर अगले 2 वर्षों में कक्षा 2 तक की पढ़ाई पूर्ण होगी। प्रारंभिक चरण की बात करें तो 3 वर्ष इसमें शामिल, कक्षा 3 से 5वीं तक की पढ़ाई होगी, उम्र इस साल होगी 8 से 11 वर्ष। चरण देखें तो इसमें तीसरा चरण होगा 6 से 8वीं तक का, इसमें होगी उम्र कितनी होगी 11 से 14। माध्यमिक चरण की बात करें तो 4 वर्ष में कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी, और उम्र इसमें ये आपका कह सकते हैं कि 14 से 18 तक। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इसमें नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियादी को शामिल किया गया है, जिसमें आगे चलकर बच्चों का बेहतर विकास हो सके। 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। कहने का मतलब है कि एडमिशन सभी बच्चों का एडमिशन हो, कोई छूटे ना शिक्षा से। विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए विषयों का चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे, इसमें शारीरिक शिक्षा कला और शिल्प और व्यावसायिक विषय भी शामिल किया जाएगा। मुझे ये अच्छा लगा, व्यावसायिक शिक्षा यानी कि आप समझिए कि हम लोग अभी आप देखते हैं 12वीं पास हो जाता है या PhD कर लेता है, उसके बाद भी देखते हैं आप लोग की मानव संसाधन में नहीं बदलता है वो, यानी कि वो ग्रुप डी के पेपर दे रहा होता है PhD करने वाला। तो इस तरह से एक शिक्षा दी जाएगी कि अगर आप 10वीं पास हो जाते हैं तो एक अच्छी तरह से आप व्यवसाय या कुछ भी काम करने के लायक पहुंच जाएंगे, जहां तक संभव हो कि कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर होगा कि ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा। कहने का मतलब कि आप देखते हैं बुंदेलखंडी है, आपकी जो भी है, आप देखते हैं कि बघेलखंडी हो गई, फिर कोई भी तमिल भाषा तमिलनाडु की जहां भी हो, अपनी स्थानीय भाषा में एक तरह से 5वीं तक तो है, लेकिन और भी हो सकता है कि 8वीं तक और आगे भी रख सकते हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे और त्रिभाषा फार्मूला लागू किया जाएगा, हालांकि इस पर काफी लचीला रखा जाएगा, किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। त्रिभाषा फार्मूला का कहने का मतलब है कि हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य कर दिया जाए और एक स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा आपकी रहेगी। लेकिन आप जानते हैं कि दक्षिण भारतीय राज्य नहीं मानते इसे, वो कहते हैं 2 ही भाषा रहेंगी, एक स्थानीय और एक अंग्रेजी। ठीक है, तो इस पर कोई अभी बात बनी नहीं है। ठीक है, ग्रेड 10 और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेगी। मंत्रालय के तहत एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख स्थापित किए जाने का प्रस्ताव भी है। ठीक है, सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए एक जेंडर समावेशी निधि यानी कि फंड का गठन भी किया जाएगा। तो याद रखना, जेंडर समावेशी निधि किन किन के लिए? सभी लड़कियों और साथ ही जो ट्रांसजेंडर छात्र होते हैं, छात्रों के लिए। उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना भी की जाएगी, इसे भी याद रखिए। ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हो और तथा प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक उच्च शिक्षा संस्थान अवश्य हो। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2018 में 26.3 से बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। 2018 में कितना था? 26.3% था। डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में परिवर्तन की बात करें तो स्नातक अवधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी,
जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प भी होंगे। कहने का सीधा सा मतलब है कि आप देखते थे कि अभी आप बीएससी कर रहे हैं या कोई भी डिग्री कर रहे हैं, तो आपने 2 साल की और छोड़ दी किसी प्रॉब्लम, बस कोई भी समस्या आने के कारण, तो आपको कुछ नहीं उसका परिणाम मिलता था, यानी कि आपके 2 साल बिल्कुल बेकार जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि 1 वर्ष पूरा होने करने पर आप अगर 1 साल तक आप लोग पढ़ते हैं तो एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, अगर 2 साल तक आप लोग पढ़ सकते हैं तो डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 वर्ष तक आप कार्यक्रम में अगर शामिल हो सकते हैं तो स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी, और अगर आप 4 वर्ष तक स्नातक कार्यक्रम में बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएचडी के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्षों की शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। एमफिल कार्यक्रम को बंद किया जाएगा, अभी आप देखते थे एमफिल कार्यक्रम, इसे बंद कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। भारत में वर्तमान में अनुसंधान और नवाचार निवेश जीडीपी का 0.69% है, जबकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.8 यानी कि 2.8, इजराइल में 4.3% और दक्षिण कोरिया में 4.2% है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के तहत 4 स्वतंत्र ढांचों की स्थापना की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद भी बनाई जाएगी, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद भी होगी, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद भी होगी, सामान्य शिक्षा परिषद भी होगी, ठीक है, ये सभी शामिल होंगे। और याद रखिए जीडीपी के 6% खर्च करने की बात की जा रही। वैसे तो आप देखते हैं कोठारी जो पहली शिक्षा नीति आई हुई थी उसमें भी आपकी 6% खर्च जीडीपी का खर्च करने की बात की गई थी शिक्षा पर, लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पाया। तो इसके क्या नकारात्मक पॉइंट रहेंगे, क्या परिणाम रहेंगे, हो पाती है सक्सेस, हो पाती है या नहीं? अगर अच्छे से लागू होती है तो 100% मैं कहूंगा कि इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। अगर अच्छे से लागू नहीं हो पाएगी तो अभी तक जो चला आ रहा वैसा ही चला। HECI स्वयं इन 4 अंगों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा करेगा, और ध्यान दें कि भारतीय भाषाओं पर समुचित ध्यान ना दिए जाने के कारण देश में विगत 50 वर्षों में 220 से अधिक भाषाओं को खो दिया है। आप जानते हैं हमारे देश में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित कर दिया है। किसने? यूनेस्को ने। इसे भी याद रखिए, पूछ लेगा यूनेस्को ने कितने भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया है, तो 197। अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना भी की जाएगी, IITI। प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच यानी कि NETF का निर्माण भी किया जाएगा। यह नीति केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। यह नीति मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के रूप में पुनः नामित करने का प्रस्ताव भी देती है। आप जानते हैं कि एक नया मतलब एक तरह से नाम बदलने का प्रावधान चलता रहता है, इसकी सरकार आती है तो वो नाम बदल देते हैं, उनकी सरकार आती है, तो इसी तरह एक कह सकते हैं आप लोग कि जो अभी एक शिक्षा मंत्रालय की बात की गई है, जो अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे एक शिक्षा मंत्रालय होगा इसके, इसे ही नाम दे दिया गया, बदल दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य द्वारा जीडीपी का 6% सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाएगा। ध्यान दें कि शिक्षा नीति के निर्माण के लिए वैज्ञानिकों के कस्तूरी नंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, तो एक तरह से उनकी सलाह पर ही इस समिति को लाया गया है, मतलब इस शिक्षा नीति को लाया गया है, तो इन्हें याद रखना के कस्तूरी नंगन की अध्यक्षता में। समिति द्वारा 31 मई 2019 को शिक्षा नीति का मसौदा मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसे सरकार द्वारा लोगों के सुझावों के लिए सार्वजनिक कर दिया गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारतीय सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन। लंबे समय तक सशक्त बलों में महिलाओं की भूमिका चिकित्सीय सेवा जैसे डॉक्टरों एवं नर्स तक ही सीमित थी, यानी कि अभी तक आप देखिए सशक्त बलों में सेनाओं में आप देखते थे डॉक्टर नर्स तक ही महिलाओं की नियुक्ति होती थी, लेकिन वर्ष 1992 से WSES वोमेन स्पेशल एंट्री स्कीम योजना के तहत भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की कमीशन की शुरुआत हुई। प्रारंभ में महिला अधिकारियों की सेना में नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती थी, जिसे 5 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता था। वर्ष 2005 में WSES योजना को शॉर्ट सर्विस कमीशन योजना से प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसके तहत महिलाएं सेना में
10 से 14 वर्ष की अवधि के लिए सेवारत रह सकती थी, काम कर सकती थी, ठीक है। लेकिन अब बात करें तो 23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन यानी कि स्थायी अब रहेंगी प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी किया है। एक तरह से कहिए कि पुरुषों के समान होगा। यह आदेश जज एवं एडवोकेट जनरल तथा आर्मी एजुकेशन कॉप्स AEC के वर्तमान वर्गों के साथ साथ भारतीय सेना के 10 वर्गों महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन की मंजूरी को निर्दिष्ट भी करता है। इस वर्गों में आर्मी एयर डिफेंस सिग्नल इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉप्स और आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट कॉप्स शामिल हैं। इसमें इससे पूर्व 17 फरवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए पुरुष अधिकारियों के समान स्थायी कमीशन और कमान अधिकार के संबंध में निर्णय सुनाया था। 17 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के तहत भारतीय नौसेना में भी महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान करने की बात की गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर अपनी सहमति दी है। तो इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक क्या करेंगे, एक छोटी छोटी क्लासें रहने देंगे, बड़ी क्लासें बाद में आपकी एडजस्ट कर देंगे, इसी में मिला के बना देंगे, ठीक है। वहां देखना पड़ेगा, वहां देखते रहना, यहाँ देखना, यहाँ देखेंगे।